आप देख रहे हैं TNB। जैसे कि आप सबको पता है कि हाल फिलहाल में जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव को उनके घर से गिरफ्तार करके गांधी मैदान के पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और उस वक्त उन पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तारी की गई थी और बाद में उनके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे ठोके जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन पर अभी हाल फिलहाल में ही 32 साल पुराने हत्या और किडनैपिंग वाला केस भी थोपा गया है। इसके साथ ही हाल ही में पप्पू यादव की तबीयत भी बिगड़ी थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और उनका रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव था। अब उनकी रिहाई को लेकर पटना में उनके समर्थक जो हैं अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं पटना से आ रही तस्वीरों पर। जब से माननीय सांसद सेवक पप्पू यादव जी के अरेस्टिंग हुए तब से जनकर पाटिल लोकतांत्रिक दरभंगा इकाई कंटिन्यू उनके रिहाई के लिए हम लोग बात शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने उनके लिए आंदोलन ये किया कि एक जो उनका आह्वान था कि एक सेवा दल बना के गरीब लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको आप लोग खाना पहुँचाइए, उसके तहत हम लोग पिछले 6 दिनों से गरीब लोगों को 2 टाइम का खाना मुहैया करा रहे हैं उनके, और सरकार को सद्बुद्धि आए उसके लिए तांत्रिक यज्ञ भी हम लोगों ने करवाया ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। हम लोगों ने आरती जुलूस भी निकाला, हम लोगों ने हमारे जो यहाँ के बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं उनका हम लोगों ने खुदा दहन भी किया, 1 दिन का उपवास भी रखा और कई कार्यक्रम करते आ रहे हैं उसी के क्रम में, क्योंकि ये अंधी बहरी गूंगी सरकार ये समझ ले कि जन अधिकार पार्टी के लोग जान देने को तैयार है, अपना कपड़ा उतारकर अधरनंग होकर सरकार को ये चिता रहे हैं कि जो हमारे सेवक हैं, जो बिहार के सेवक हैं जिन्होंने गलत तरीके से एम्बुलेंस रखने वाले का पर्दाफाश किया उसको आपने अरेस्ट किया, उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए, और जिसने एम्बुलेंस चुरा के रखा राजीव प्रताप रूढ़ी को अविलंब गिरफ्तार कीजिए, और जो सेवक है जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसको अविलंब रिहा कीजिए। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई की मांग करते हुए उनके समर्थक अर्धनंग अवस्था में नारेबाजी कर रहे हैं, कितने सारे समर्थकों ने खुद के शरीर पर लिखा हुआ है कि पप्पू यादव को रिहा करो। ये जो समर्थन है वो लगातार पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं और जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती इसी तरह से वो प्रदर्शन करते रहेंगे ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो यह वक्त के साथ ही पता चलेगा कि इन सारे प्रदर्शनों का नीतीश सरकार पर कोई असर पड़ता भी है या नहीं। आपको बता दें कि पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पटना समेत पूरे बिहार में अलग अलग तरीके से लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अब तक उसका कोई नतीजा देखने को नहीं मिला है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है, इस प्रदर्शन का कोई नतीजा देखने के लिए मिलता है, नीतीश सरकार इसको लेकर कुछ करती है या फिर पप्पू यादव को रिहा करती है या नहीं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।